गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एंडोक्राइन ग्लैंड। तो देखिए, आप लोगों को आज अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में बताएंगे। तो देखिए, एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, यानी ऐसी ग्रंथियां जो हार्मोन को प्रोड्यूस करती हैं या हार्मोन को उत्पन्न करती हैं, वो कहलाती है एंडोक्राइन ग्लैंड। क्योंकि जो हार्मोन होते हैं वो हमारी बॉडी में ही बनते हैं और बॉडी में ही सीक्रेट होते हैं, यानी वे ग्लैंड जो हार्मोन को प्रोड्यूस करती हैं वो अंतःस्रावी ग्रंथियां या एंडोक्राइन ग्लैंड कहलाती हैं। और ये हार्मोन कहाँ पर होती है प्रेजेंट, ये होती है ब्लड में प्रेजेंट होती हैं। तो देखिए, कल आप लोगों को ये बताए थे ग्लैंड के बारे में। तो देखिए, लोकेशन भी बताई थी ये कहाँ पर स्थित होते हैं, तो दोबारा से बता देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ब्रेन में देखिए तीन प्रकार की ग्लैंड पाई जाती है। ये पूछे जाते हैं कि ब्रेन में कितनी प्रकार की ग्लैंड पाई जाती है। सबसे ज्यादा ग्लैंड पाई जाती है ब्रेन में, तीन प्रकार की पाई जाती है। हाइपोथैलेमस ग्लैंड पाई जाती है, पिट्यूटरी ग्लैंड और ये वाली इंपॉर्टेंट है पिनियल बॉडी ग्लैंड। अब आप लोगों को बताएंगे कि इनमें से बड़ी और छोटी कौन सी होती है। और देखिए, नेक में कौन सी प्रेजेंट होती है, एक होती है थायराइड ग्लैंड और दूसरी होती है पैराथायराइड ग्लैंड। और देखिए, चेस्ट में देखिए थायमस ग्लैंड प्रेजेंट होती है, लेफ्ट और राइट ऑरिकल के बीच में ये प्रेजेंट होती है। और देखिए, अग्नाशय ग्रंथि प्रेजेंट होती है, मतलब ये कहां पर होती है, वही होती है उदरगुहा के नीचे। और एड्रिनल ग्लैंड होती है, किडनी में प्रेजेंट होती है, यानी उदरगुहा में पाई जाती है। और जो गोनेट्स ग्लैंड होती है, ये इंटेस्टाइन के बिलो यानी नीचे की ओर पाई जाती है। अब आप लोगों को बता दें, इनमें से सबसे ज्यादा बड़ी ग्रंथि कौन होती है, ये इंपॉर्टेंट है। ये पूछती है कि सबसे ज्यादा लार्गेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन होती है। कल आप लोगों को एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में बताया था कि सबसे बड़ी एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है वो यकृत होती है, और जो सबसे ज्यादा लार्गेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है वो होती है थायराइड ग्लैंड, ये सबसे बड़ी होती है। और कुछ किताबों में लिखा है कि जो सबसे बड़ी ग्लैंड होती है वो होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, जबकि पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं होती है, इससे छोटी होती है पिनियल बॉडी ग्लैंड, यानी पिनियल काय ग्रंथि, ये सबसे छोटी होती है और ये सेकंड नंबर पे होती है, ये वाली सेकंड स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछती है पेपर में, सबसे बड़ी ग्लैंड और सबसे छोटी ग्लैंड कौन सी होती है। तो आप लोगों को इनको नाम भी बता देते हैं। तो देखिए, काफी बार ये पूछती है कि मास्टर ग्लैंड किसको कहा जाता है। तो देखिए, मास्टर ग्लैंड कहा जाता है पिट्यूटरी ग्रंथि को कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। ये पेपर में पूछती है कि किसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। तो देखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। और देखिए, थर्ड आई ऑफ ह्यूमन बॉडी यानी मनुष्य की तीसरी आंख और बायोलॉजिकल क्लॉक किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है पिनियल बॉडी ग्लैंड को। आगे आप लोगों को बताएंगे कि इसे क्यों कहा जाता है, अभी बस इतना समझिए। और देखिए, ये इंपॉर्टेंट, ये बहुत पूछती है कि थ्री एफ ग्लैंड, फोर एस ग्लैंड, डू और डाई यानी करो या मरो, लाइफ सेविंग जो मैं बचाती हूँ है, मतलब इमरजेंसी ग्लैंड यानी आपातकालीन ग्रंथि, और बॉडी गार्ड जो हमें मतलब प्रोटेक्शन प्रदान करती हूँ, ऐसी कौन सी ग्लैंड है जिसे मतलब थ्री एफ ग्लैंड कहते हैं, फोर एस ग्लैंड भी कहते हैं, करो या मरो कहते हैं, जो मैं बचाती है बॉडी गार्ड होती है, और जिसे आपातकालीन मतलब ग्रंथि कहती है वो होती है एड्रिनल ग्लैंड। अब आप लोगों को आगे बताएंगे कि इसे क्यों कहा जाता है, थ्री एफ ग्लैंड या फोर एस ग्लैंड, आगे आप लोगों को बताएंगे डिटेल में। तो कल आप लोगों को बताएंगे हाइपोथैलेमस के बारे में, ये पहले जो ब्रेन में जो प्रेजेंट है सभी इनके बारे में बताएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इनको अच्छे से याद करें, ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर बहुत पूछते हैं। थैंक यू।